मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोथिंग, ब्लड क्लॉथ कैसे होता है। सबसे पहले ब्लड क्लोथिंग कब होता है, जब कोई भी बॉडी का पार्ट इंजर्ड हो जाएगा, ओके, एक्सटर्नल पार्ट में आपको इंजरी दिखता है, कट गया, गिर गए, इंजर्ड हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग बाहर आता है, तो क्या ब्लड पूरा लास्ट ड्रॉप तक बाहर आता है? नहीं। हेमोफीलिया के केस में ऐसा होता है, ब्लड क्लोथिंग नहीं होता है। ओके, लास्ट टाइम ये भी चैप्टर हो गया ना अपना ब्लड हेमोफीलिया वाला, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाया था मैंने आपको। ओके, तो उस केस में क्या होता है, हेमोफीलिया कंडीशन में ब्लड क्लॉथ, ब्लड इट फेल्स टू क्लॉथ। ब्लड क्लोथिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ कहीं आपको कट है उस कट पार्ट पे क्लोथिंग मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये पार्ट इंजर्ड है, कट गया, ओपन हो गया पार्ट उतना, ठीक है, तो वहाँ से ब्लीडिंग आने वाला है। अब वहाँ पे क्या आएगा, ये जो फिब्रिनोजेंस है, सॉल्युबल फिब्रिनोजेंस है, ये फाइबर्स फॉर्म करेगा लाइक दिस अंदर से। ठीक है, ये फाइबर्स लाइक अ मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। कैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके आसपास जाली लगाते हैं ताकि ऊपर से कोई ब्लॉक या मट्टी या पत्थर के टुकड़े गिरे या ईंट ब्रिक्स गिरे तो नेट के अंदर रुक जाना चाहिए। तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एट द कट पार्ट, एट द इंजर्ड पार्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होएगा, जो ब्लड यहाँ से बाहर निकल रहा था, क्योंकि ब्लड मतलब RBC है, WBC है, तो यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएंगे सब। समझ में आया, ये ब्लॉक क्योंकि इसमें से बाहर जा ही नहीं सकता है वो, तो ये ब्लॉक हो जाएगा एंड देन स्लोली वो वहाँ पे हीलिंग होएगा एंड वो नॉर्मल प्रोसेस पे अपने नॉर्मल में जो स्ट्रक्चर है वैसा फॉर्म करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है वो। तो इंजर्ड पार्ट, बॉडी का कोई भी इंजर्ड पार्ट रहेगा, ये क्या रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करेगा, ठीक है, नॉर्मली जब ब्लड रोटेट होता है वो टाइम पे ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है, जब तक ये प्रोड्यूस नहीं होएगा आगे का कुछ मैकेनिज्म होने वाला नहीं। और ये कब प्रोड्यूस होएगा, जब इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, साइमल्टेनियसली प्लेटलेट्स ये डिसइंटीग्रेट होएगा, डिसइंटीग्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। लास्ट में जहां कहीं ASE वर्ड आता है, इट इंडिकेट्स इट इज एन एंजाइम। व्हाट इट इज, इट इज एन एंजाइम। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करेगा प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, अभी जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये यहाँ पे एक्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज यहाँ पे एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ Ca2+। तो प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव फॉर्म है, इट विल बिकम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजेन जो इनसॉल्युबल है, ओके, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। नाउ दिस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अलोंग विद सम ब्लड सेल्स दे विल हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस। ये हो गया पूरा मैकेनिज्म आपका, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोथिंग। ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ हाँ, इतना स्पेस छोड़ दीजिए, या जिसने ड्रॉ नहीं किया है तो डायरेक्टली लिख लो पहले, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इंटू सेमी सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इंटू सेमी सॉलिड जेली, खाते ना जेली, हाँ जेली, इज कॉल्ड ब्लड कोएगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन comma that initiates the formation of enzyme which enzyme, prothrombinase, likh lo bhi, initiate the enzyme prothrombinase in the blood. नेक्स्ट पॉइंट,
प्रोथ्रोम्बिनेज इज प्रेजेंट, प्रोथ्रोम्बिनेज इन प्रेजेंस, आई एन इन प्रोथ्रोम्बिनेज इन प्रेजेंस ऑफ सी ए टू प्लस आयन्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सी ए टू प्लस आयन्स कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्लाज्मा, कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, दिस वन प्रोथ्रोम्बिन लिख लो, इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इंटू एक्टिव थ्रोम्बिन, इंटू एक्टिव थ्रोम्बिन. नेक्स्ट पॉइंट, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स सॉल्युबल फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स सॉल्युबल फिब्रिनोजेन सॉलिड कन्वर्ट्स सॉल्युबल फिब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन और फिब्रिन भी चलेगा दोनों वर्ड. नेक्स्ट, फिब्रिन फाइबर्स एंट्रैप्स द प्लेटलेट ब्लड सेल्स, एंट्रैप्स द प्लेटलेट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा टू फॉर्म ब्लड क्लॉट, टू फॉर्म ब्लड क्लॉट. लास्ट पॉइंट, द नॉर्मल क्लोथिंग टाइम इज 2 to 8 मिनट्स.